कहते सवेरे सवेरे आया तो कहने लगा हुजूर मुझे तौबा करा दे, आज के बाद ना झूठ बोलूंगा ना हराम खाऊंगा ना शराब पीऊंगा। तो कहते जितने लोग बैठे थे कान खड़े हो गए, कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगा 11-12 साल का नौजवान आया मुझे तौबा करा गया, चढ़ती जवानी 11-12 साल 14-15 साल का बच्चा मुझे तौबा करा गया। तो कहते हम मैं भी हैरत हुए कि इतना सा बच्चा। तो कहते हैं किसी नेक बाप का बेटा था, किसी परहेजगार माँ का बेटा था, घर में तरबियत हुई। इतने बच्चे तो खानकाह भी नहीं जाते, इतने से बच्चे थोड़ी किसी दारे के फारिग तहसील होते हैं, किस मदरसे से पढ़े होते हैं? कहते छोटी सी उम्र। तो कहा जनाब आपको कैसे मिला? तो वो शख्स कहने लगा हुजूर कल मैं गया बाजार, मैंने बगदाद के चौक से 10 किलो मछली भी खरीद ली और कुछ और जरूरत की चीजें भी, मेहमान आने थे, वो सारा कुछ खरीद के मैं जब निकला तो सामान ज्यादा हो गया। चौक में मजदूर बैठे होते थे, मैंने कहा भाई मेरे साथ फुला मोहल्ले तक सामान पहुंचाना है। वो बच्चा कहने लगा चाचा अगर मैं चलूं तो, मैंने उसको एड्रेस वगैरह बतलाया तो 3 दिनार मजदूरी तय हो गई सामान घर पहुंचाने की। कहते मेरे साथ वो निकला और जब रास्ता तय करने लगा तो रास्ते में गर्मी बड़ी सख्त थी, जोहर का वक्त था, जरा हमने चंद कदम उठाए 2-4 गलियां गुजरे थे कि अजाने जोहर की आवाज आने लगी। तो कहते हैं बड़ी मिन्नत के अंदाज में, बड़ी गुजारिश के अंदाज में मेरी तरफ देखा, उम्र छोटी सी है, कहने लगा चाचा अगर इजाजत मिल जाए तो मैं जोर की नमाज पढ़ लूं। कहते हैं मैं एक जगह फट्टे पे बैठ गया और गप्पे करने लगा, सामान वहां रखा, मैंने कहा पढ़ ले नमाज। कहते हैं बच्चा नमाज पढ़ने चला गया, बाकी लोग देर से आए, वो नमाज पढ़ के जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे तू जल्दी आ गया है? कहने लगा इसलिए जल्दी आया हूँ कि आप ये ना समझे ये काम चोर है, मैंने नफल छोड़ दिए हैं, फारिग होके पढ़ लूंगा। कहते हैं सामान उठाया, रास्ते में गर्मी शिद्दत की थी, उसका पसीना बहने लगा, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा बेटे सामान थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो गर्मी ज्यादा है। कहने लगा चाचा किसी का तरबियत याफ्ता हूँ, किसी ने ट्रेनिंग दी है, का माँ बाप ने कहा था हराम लुकमा घर ना लाना, का बात क्या हुई? कहने लगे मैं आपको नहीं दे सकता इसलिए कि 3 दिनार मजदूरी घर पहुंचाने की तय की है, अगर आप उठाएंगे तो फिर मैं पैसे पूरे नहीं लूंगा। दामाद ने तवक्कुल की, ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते पर धब्बे नहीं होते, मैं फिर मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, पैसे कम लूंगा। कहते हैं मैं भी हैरत हो गया, उस जवान की बात ने मेरे सारे वजूद थर थर कमा डाला कि इस दौर में इसका किस किस्म के लोग। कहते हैं घर ले गया उसको मैं, सामान रखा, मैंने कहा तुम यहाँ ठहरो मैं 3 दिनार मजदूरी लाता हूँ। कहते हैं पैसे लेने गया तो बीवी को बताया, बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार जवान है। कहने लगी रोटी पकी हुई है, उसे कहो दोपहर का खाना खा ले। कहते मैं बाहर गया, 3 दिनार थमाए, मैंने कहा बेटे एक बात मानोगे? तो कहते हैं 3 दिनार दे के कहने लगा अब तो आप मालिक हो गए, मैंने नमक खा लिया है, अब तो हर बात मानूंगा, असला नाल जे नेकी करिए नसला ताक नहीं भूल दे, मैं अब हर बात मानूंगा। तो मैंने कहा दोपहर का खाना खा लो। कहते उसकी गर्दन झोंक गई और बड़े धीमे लहजे में कहने लगा मैं नहीं खा सकता, मैंने रोजा रखा हुआ है, रोजा रखा हुआ है, नफली रोजा रखा हुआ है। कहते मैं और परेशान हुआ, मैंने फौरी तौर पर सवाल किया कि अब तू किधर जाएगा? तो कहने लगा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे एक दिन का खर्चा, मेरे माँ बाप ने जो ड्यूटी लगाई है वो 3 दिनार है, पूरा हो गया है, अब मैं बाकी जो वक्त बचेगा या कुरान पाक की तिलावत करूंगा या मोहम्मद अरबी पे दुरूद व सलाम पढूंगा, मैं अब कोई और काम नहीं करूंगा। शख्स कहने लगा कि मैंने कहा इफ्तारी कर लेना। कहने लगा मुझे मस्जिद बता दो, मैं जाके अल्लाह अल्लाह करता हूँ, मुझे शाम को ले आना। इफ्तारी हमारे साथ उसकी तय हो गई, मस्जिद चला गया, मगरिब बाद लेने गया तो कहने लगा इशा के बाद आना, अब तो मैंने पानी से इफ्तार कर लिया, खाना खाने जाऊंगा तो जमात रह जाएगी। कहते हैं इशा के बाद मैं लाया, उसको खाना खिलाया, रात गहरी हो गई, तो मैंने कहा तू सो नहीं जाता? कहने लगा कोई अर्ज नहीं, कभी दूर मजदूरी करने निकल जाऊं तो रह भी जाता हूँ, घर वालों को पता है। कहते मैंने मुसाफिर खान खाना खोला, यूं समझिए ड्राइंग रूम बैठक मैंने खोली, उसको सुला दिया, मैं और मेरी बीवी अपनी माजूर बेटी को रोटी देने गए और हमने जाके उसको खाना खिलाया जो टांगों से माजूर थी, और साथ कहा कि बेटी आज बड़ा परहेजगार जवान हमारा मेहमान है, आज चढ़ती जवानी और तकवे की रोशनी उसके चेहरे से चमकती, क्या बात है, बड़े ही अच्छे घराने का तरबियत याफ्ता है। कहते हैं बच्ची को खाना खिला के लौटे, अपने कमरे में सो गए, बेटी अपने कमरे में लेट गई, तरस गए थे कि बेटी कदमों पे चले, तहज्जुद का वक्त हुआ तो दरवाजे पर दस्तक हुई, बड़ी बेचैनी के साथ उठे मियां बीवी कौन है? बेटी की आवाज आई अब्बा जी दरवाजा जल्दी खोलें। कहते हैं कलेजे फटने लगे, जहन बिखरने लगे, सोचे हैं कि वो 2-1 मिनट हमारे ऊपर पहाड़ बनने लगे, दरवाजा खोला तो वो बेटी जिसके लिए तरस गए थे कभी चलेगी वो अपनी टांगों पे खड़ी है।
कभी दौड़ के उधर जाती, कभी दौड़ के इधर आती। बेटियां परेशानी का फोन कर दे तो फिर भी आंसू निकल आते हैं, और बेटी घर में खुशी आ जाए तो फिर भी माँ बाप रो के ही शुक्र अदा करते हैं। इनके लिए रोते ही रहते हैं, कहते मैं तड़प गया। बीवी भी रोने लगी, बेटे ये क्या हुआ, हम तो मायूस होने लगे थे माज अल्लाह की, अब तो ठीक नहीं होगी, क्या हुआ? कहने लगे अब्बा जी अम्मा जी आपने बताया ना नेक जवान आया है, नेक आया है, तो मैं आप चले गए तो मेरे दिल में ख्याल आया ए अल्लाह अगर वो वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही अता फरमा दे। या जो अल्लाह जीना मनुकुल्ला बबू नहीं वसीला ए अल्लाह सेहत ही दे दे। कहते अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई कि मेरा वजूद हरकत करने लगा और ये देखो मैं उठ के खड़ा हो गई हूँ। कहते हम लोगों ने ये देखा तो भागे उसके कमरे की जानी, जब दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया, आगे गए तो पलंग खाली था, एक रुक्का छोड़ गया है। कहने लगा मुझे पता है मेरी हकीकत खुल गई है, मैंने ये करामत पे कंपनी की मशहूरी के लिए नहीं दिखाई कि लोग मेरे पीछे भागने लगे, मुरीद होने लगे, तवाफ करने लगे, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे जरा भी